हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको ले चलते हैं फतेहपुर सीकरी। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपना बनाया था ताजमहल का, तो मैंने आपको बताया था कि हमने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा भी कवर किया था, बट उसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो ये वही वीडियो है जो कि फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे पे होने वाली है। तो इससे पहले हमने ताजमहल कवर किया था, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें हमने कवर किया था कि हमने कौन सी होटल ली थी, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, कहाँ हमने स्टे किया और क्या 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 हमने घूमा वगैरह वगैरह। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद हम चल पड़े फतेहपुर सीकरी की तरफ। तो फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 35-36 किलोमीटर दूर है। तो जी, हम पहुंच गए हैं फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी भी मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं पहले फतेहपुर सीकरी आगरा सब कुछ देख रखा है। एक्चुअली अभी जो जितनी भी जगह मैं घूमने जा रही हूँ वो सब मैंने पहले से ही घूम रखी है, पर मैंने पहले कभी वीडियोस नहीं बनाई थी। अब मैं ट्रैवल की वीडियो बनाने लगी हूँ ताकि कोई भी ट्रैवल करता है उस प्लेस पर तो उसकी हेल्प होगी और वो एक गाइड की तरह काम करेगी। अब यहाँ पर ये सीन हो गया है कि अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करनी होगी, उसके बाद आपको पैदल पैदल जाना होगा बुलंद दरवाजे की तरफ। उससे पहले हमें यहाँ पे देखो ये गाइड मिल गया है, वो बोलता है कि नहीं मैं गाइड करूँगा आपको, मैं बताऊँगा सब कुछ, वो सारी शेर व शायरी के साथ बताऊँगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे गाइड आपको मिल जाते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। वैसे आपको गाइड ले लेना चाहिए क्योंकि फतेहपुर सीकरी के जो जो वो गाइड जो हिस्ट्री बताते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जो थोड़ी बहुत मैं भी आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा। इससे पहले जब मैं लास्ट टाइम यहाँ फतेहपुर सीकरी आई थी तो मैं अपनी सिस्टर, ब्रदर, अपनी खाला, हम काफ़ी सारे लोग आए थे डायरेक्ट जयपुर से। पहले हम आगरा घूमे थे, उसके बाद हम फतेहपुर सीकरी घूमे थे। खैर चलिए चलते हैं। हमने इस बार एंट्री ली बादशाही दरवाजे से। अपनी स्लीपर्स वगैरह आपको बाहर ही जमा करानी होती है, अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि फतेहपुर सीकरी के बिल्कुल मिड में सलीम चिश्ती की दरगाह है और स्लीपर बाहर रख कर वो आपको दे देते हैं। वो स्लीपर जिससे कि आपके पैर अगर गर्म है तो पैर भी नहीं जलेंगे और गंदगी भी नहीं होगी। तो हमने वो लिया, अपने स्लीपर्स पहनी और चल पड़े अंदर की तरफ। फतेहपुर सीकरी राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है भरतपुर के साथ। और हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें गाइड ने दिखाया था कि देखो वो बॉर्डर दिख रही है, वहाँ पे वो वाला युद्ध हुआ था वगैरह वगैरह। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये है सलीम चिश्ती की दरगाह, जिसमें काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग मानते हैं और आते हैं फतेहपुर सीकरी स्पेशली सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए ही। तो बुलंद दरवाजे को डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। और ये बनाया किसने था? बनाया था मुगल एम्परर अकबर ने, और इसको बने हुए लगभग 420 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी इतना मतलब मजबूत और बहुत बहुत खूबसूरत है। मुझे बुलंद दरवाज़ा बहुत पसंद आया था, इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तभी मुझे बहुत पसंद आया था। जो गाइड हमारे साथ गया था उसने कुछ कुछ बातें शेयर की। हर फ्राइडे के दिन जुमे के दिन निकलकर सामने नमाज़ प्रे करने के लिए जमा मस्जिद, वहाँ आज भी लोग 5 टाइम नमाज़ प्रे करते हैं। कहाँ पे? सामने बीच में वाइट वाला बिल्डिंग है, वो दरगाह है सलीम चिश्ती जी। यहाँ पे दीन इलाही भी है ना? हाँ, सामने वाइट वाला बिल्डिंग दरगाह सलीम चिश्ती जी का, अकबर के गुरु जी की दरगाह है। यहाँ से अकबर बादशाह को बेटा हुआ सलीम, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की दुआ से। अकबर बादशाह की यहाँ 3 वाइफ थी, 3 रानी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चन। मगर अकबर बादशाह को 3 रानी से कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। अकबर बादशाह यहाँ औलाद के लिए बहुत परेशान थे। अकबर बादशाह की सबसे पहले राजधानी कैपिटल फर्स्ट वो दिल्ली। अकबर बादशाह को दिल्ली में सपना होता है कि आपको औलाद चाहिए, बच्चा चाहिए, तो आप अजमेर जाइए। अजमेर देखोगे आपने राजस्थान, अकबर बादशाह दिल्ली से सीख जाएंगे। वहाँ एक सलीम चिश्ती नाम के बाबा रहते हैं, वहाँ से अकबर बादशाह को औलाद हो सकती है। तो अकबर बादशाह अजमेर शरीफ से पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी 6 बार आए थे।
पैदल। जब यहाँ चलकर आए तो कोई किला नहीं था, कोई फोर्ट नहीं था, हाँ। एक पहाड़ी इलाका था जंगल, और एक जंगल में बाबा रहते थे सलीम चिश्ती नाम के झोंपड़ी डालकर, जो आज उनका दरगाह बना हुआ है। अकबर बादशाह यहाँ 6 बार आए, मगर 6 बार रिटर्न कर दिया, लौटा दिया कि आपके नसीब में कोई औलाद नहीं है। जब अकबर बादशाह अपन लौट कर अजमेर गए, तो अजमेर में सपना होता है कि औलाद मिलेगी तो फतेहपुर सीकरी से मिलेगी, वरना इस दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी। तो अकबर बादशाह सातवीं बार आकर बाबा के पैरों में गिर गए। जब यहाँ बाबा के बच्चे रहते थे बाले मियाँ, बाले मियाँ वो 6 महीने की उम्र में थे, क्योंकि 6 महीने की उम्र में ना तो कोई बच्चा बोल सकता है और ना ही चल सकता है। तो 6 महीने के बच्चे बोले थे कि अब्बू जान, हम तो 6 महीने के फ़कीर हैं, ये तो यहाँ का शहंशाह है अकबर, इनके लिए औलाद की दुआ कीजिए। तो बाबा ने बोला, अकबर बादशाह को तो औलाद हो जाएगी, मगर आपको अपनी जान देनी पड़ेगी, अपने बच्चों से बोला। तो 6 महीने के बच्चे ने बोला, मुझे मंजूर है। उनने अपनी जान दी थी, अकबर बादशाह को औलाद दी थी। बाबा ने हुक्म दिया कि अजय अकबर 9 महीने बेटा होगा, हिंदू जो था भाई से, मगर मेरे नाम पे नाम धरना सलीम। तो अकबर बादशाह के बेटे का नाम पहला नाम दिया सलीम, प्यार में लोग कहते हैं सेतु बाबा। जब बड़ा हुआ गद्दी में बड़ा जहाँ बादशाह के अंदर लोग आज भी जाते हैं ना, वहाँ मनोकामना की धागे वगैरह बांधते हैं। एक आदमी भाग्य से वहाँ 3 जिसका 3 मनोकामना, शादी के लिए, औलाद के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, सारी बीमारी के लिए, घर की परेशानी के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, बच्चों के लिए, यानी विशेष कोई भी विश कर सकते हैं। जो विश करते हैं सीक्रेट डरते हैं, किसी को बोलते नहीं हैं। जो मैरिड होते हैं हस्बैंड वाइफ शेयर कर सकते हैं, जो अनमैरिड होते हैं सीक्रेट डरते हैं। जब यहाँ विश पूरा हो जाता है, धागा खोलने के लिए यहाँ रिटर्न आना कंपलसरी नहीं है। आप लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ गरीबों को खाना खिला देते हैं, बाबा का नाम लेकर धागा खुला मानते हैं। दरगाह के अंदर जो लोग जाते हैं वहाँ पर रसीद वगैरह नहीं काटते, सोना चांदी नहीं मांगते, उनको 500 रुपया दान होता है। अंदर लोग जाते हैं अपने हाथ से अपने परिवार का नाम लेकर, फैमिली की गुडलक के लिए वहाँ लोग चढ़ाते हैं कपड़े का चुंदरी, चुंदरी आप लोग समझते हैं ग्रीन कलर का कपड़े का चादर, उस पर राइट हैंड से फूल डालते हैं, चादर से धागा टसल के अंदर जाली ही जाली में पहले सारे कवाली हो रही है। क्या कवाली होती रहती है, सामने जो दरगाह ना सेम उनके बच्चे की दरगाह बनी हुई है ऐसी, जो 6 महीने की उम्र बोलकर अकबर बादशाह को लाते हैं। कौन सी पीछे है मैं बताऊंगा। अच्छा, वहाँ भी लोग विश मांगते हैं सेम विश मांगते हैं, जो विश यहाँ मांगते हैं सेम विश मांगते हैं, जो चादर यहाँ चढ़ाते हैं सेम चादर वहाँ चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करते बड़ा यहाँ चढ़ाते हैं छोटा वहाँ चढ़ाते हैं, छोटा वहाँ चढ़ाते हैं, छोटा यहाँ चढ़ाते तो छोटा वहाँ चढ़ाते हैं, सेम पीछे 84 रूम से 84 कमरे। यहाँ स्कूल चलता था मदरसा, मदरसा बच्चों को पढ़ाया था। ये फोटोग्राफर था, फोटो वगैरह बनवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह करीब से। देखिए ये बिल्कुल वाइट मार्बल से बनी हुई, पहले ये रेड से बनी हुई थी, मतलब रेड स्टोन से, बट उसके बाद ये वाइट इसके ऊपर ये वाइट मार्बल चढ़ा दिया गया था, ऐसा मैंने सुना है। तो दरगाह के अंदर तो मैं जाती नहीं हूँ, चादर नहीं चढ़ाती हूँ, तो तब तक हम बाकी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी है। देखिए ये दरवाज़ा बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और अभी तो हमें सामने से बुलंद दरवाज़ा भी देखना है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं आगे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ये दीन इलाही और तौहीद इलाही भी बोल सकते हैं, ये भी है जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था, तो उसका भी हमें उन्होंने दिखाया था कि वो उसका सिंबल ये है वगैरह वगैरह। उसके बाद ये देखिए बना हुआ ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है जामा मस्जिद, यहाँ की जहाँ आपने नमाज होती है। बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है पूरा बुलंद दरवाज़ा, और यहाँ से देखिए पूरा शहर दिखता है। आई मीन ये सीरियसली बहुत बुलंद है, बहुत ही आलीशान बना हुआ है, बहुत शानदार बना हुआ है। आई मीन इसके नीचे जब आप खड़े होकर के इसको ऐसे ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि वाह, बहुत ही बहुत सीरियसली बहुत ऊँचा है, और इस तक आने के लिए हमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। आई थिंक 42 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये बुलंद दरवाज़ा हम पहुँचते हैं। ये देखिए ये सारी सीढ़ियाँ हैं नीचे, और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है इसमें, और यहाँ से पूरा शहर नीचे का दिख रहा है। 12 साल लगे थे बुलंद दरवाजे को बनाने के लिए, 12 साल बाद ये बनके तैयार हुआ था। बुलंद दरवाज़ा इज़ द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहलाता है बुलंद दरवाज़ा। ये लगभग 54 मीटर ऊंचा है,
और 35 मीटर चौड़ा है। बहुत आलीशान है, शानदार है। आने वाली और वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे जैसे कि रणथंभौर और चंडीगढ़ का बर्ड पार्क, कश्मीर मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, कश्मीर को की भी कुछ वीडियोस आई विल शेयर। उसके अलावा दुबई की वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे कि अगर आप दुबई विज़िट करना चाहते हैं तो कैसे अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्या क्या विज़िट कर सकते हैं और एक बजट ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, ये सब कुछ हम शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।